हेलो फ्रेंड, ग्रोविट टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कैसे गूगल क्लाउड पर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, गूगल क्लाउड हमें $300 का बोनस अमाउंट प्रोवाइड करता है जैसे ही हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, साथ ही उसको एक्टिवेट करते हैं। फ्रेंड, गूगल क्लाउड हमें $5 पर मंथ का चार्ज करता है जो कि उसका मिनिमम प्लान है। इस प्लान को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट कोई मेजर फंक्शनलिटी रखती है या हमारी साइट पर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम अपने अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और गूगल क्लाउड हमें उसी हिसाब से चार्ज करेगा। फ्रेंड, गूगल क्लाउड अमाउंट को बोनस अमाउंट से ऑटो डिटेक्ट करता रहेगा और जैसे ही हमारा बोनस अमाउंट ख़त्म हो जाता है, गूगल क्लाउड आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी ये आपके अकाउंट से पैसे चार्ज करेगा, अदरवाइज आपको कंटिन्यू नहीं करना तो आप अपनी वर्डप्रेस साइट का बैकअप लेके किसी दूसरे होस्टिंग प्लान पर होस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जानते हैं और चलते हैं कैसे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को गूगल क्लाउड पर होस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर और यहाँ पे हम गूगल क्लाउड सर्च करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही सर्च उस पर रिजल्ट आता है, आप सबसे पहले देख सकते हैं गूगल क्लाउड फ्री ट्रायल, वी ऑफर 300 क्रेडिट फॉर फ्री। हम इस पे क्लिक करके जाते हैं। तो फ्रेंड, गो टू कंसोल पे जाते हैं। फ्रेंड, अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड नहीं है तो ये आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा, जहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आपको अपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अकाउंट में जाने के बाद सबसे पहले आपको करना होगा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं उन्हीं में से किसी एक को यूज कर लेता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद मार्केट प्लेस के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं वर्डप्रेस को। साथ में आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर वर्डप्रेस, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फ्रेंड, आप यहाँ पे आ गए। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आप एक्चुअल जो ओरिजिनल वर्डप्रेस है उसी को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ से लर्न मोड पर जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं वर्डप्रेस ORG की साइट है आ रही है, तो ये ओरिजिनल वाला वर्डप्रेस है। फ्रेंड, तो आप हम इसको सिंपली लॉन्च बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रेंड, ये कुछ टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो फ्रेंड, अब ये हमें अपनी मशीन कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है। हम इस पे अपना डेवलपमेंट नाम दे सकते हैं, कुछ भी, जो भी आपकी साइट का नाम हो या मशीन नाम, जो भी देना आपको। मैं मार्केट मंत्रा दे देता हूँ। आप यहां से जॉन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस जॉन में आपको क्रिएट करना है। बेसिकली फ्रेंड, US में जो भी होस्टिंग होती है वो थोड़ी सस्ती होती है एशिया के कंपेयर में। तो फ्रेंड, अगर हम एशिया यहां पे US की होस्टिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। मशीन का टाइप क्या चाहिए आपको, स्मॉल, माइक्रो या 2 CPU वाली चाहिए, तो ये हिसाब से आपको चार्ज करेगा। ये मिनिमम $5 पर मंथ का है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप और भी चेंज कर सकते हैं, अगर 2 CPU के चाहिए तो उसके हिसाब से आपका पर मंथ का चार्ज अलग होगा। फ्रेंड, मेरी साइट बिल्कुल स्मॉल है तो मैं इसका माइक्रो प्लान सेलेक्ट कर सकता हूँ। और फ्रेंड, आपको कितनी GB मेमोरी चाहिए उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। 0.6, 1.7 मेरे लिए सफिशेंट है तो मैं इसी को रखता हूँ। और यहाँ पे आप जो ईमेल दोगे, आप वही आपके वर्डप्रेस के एडमिन की ईमेल होगी, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल दे देता हूँ। हमें PHP एडमिन की भी ज़रूरत होगी, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ पे डिस्क साइज, आपको कितना साइज चाहिए, आपका साइट का डेटा कितना है। बाई डिफ़ॉल्ट ये 10 GB देता है तो मेरे हिसाब से मेरी साइट के लिए सफिशियंट होगा। आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, स्टैंडर्ड डिस्क भी देख सकते हैं, SSD। एक्चुअली SSD थोड़ा सा फास्टर होता है स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन मेरी साइट के लिए स्टैंडर्ड सफिशियंट है। और फ्रेंड, इसके बाद हमें HTTP ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट और HTTPS भी अलाउ कर देंगे अगर मेरे को HTTPS चाहिए अपनी साइट पे। और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, क्या क्या सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करेगा, आप ये देख सकते हैं। और फ्रेंड, इसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं, ये हमारी साइट को क्रिएट कर रहा है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारा वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर हो गया।
हमारी साइट का URL ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे ये हमारी साइट का URL है जो अभी IP के बेस पे चल रहा है, आप एडमिन का भी देख सकते हैं। ये हमारा WP एडमिन ओपन हो गया, अब हमें इसको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे इन्होंने डिटेल क्रिएट की है, इस डिटेल को यूज करके अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी एंड पासवर्ड भी कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरी वर्डप्रेस की साइट तो कॉन्फ़िगर हो गई, लेकिन ये IP फ्रेंड अभी हमारी साइट IP पे चल रही है। मुझे अब हमें इसको डोमेन पे पॉइंट करना होगा। तो डोमेन पे पॉइंट करने के लिए फ्रेंड हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो हम जहाँ से हमने अपना डोमेन परचेस किया हुआ वहाँ पे DNS रिकॉर्ड अपडेट कर दें, या फिर ए रिकॉर्ड अपडेट कर दें। तो फ्रेंड चलते हैं और जानते हैं कैसे हम अपने डोमेन पैनल के अंदर ए रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड पहले हमें यहाँ पे जाके गूगल क्लाउड से अपने IP को कॉपी करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपल हम होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंप्यूट इंजन के अंदर जाएंगे। आप यहाँ से जाके यहाँ पे कंप्यूट के अंदर जाके कंप्यूट इंजन के अंदर जाके VM इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। और फ्रेंड हम यहाँ से जो हमारी ये मशीन क्रिएटेड हुई थी ये हमें बता रहा है, और फ्रेंड हमें इसके IP को कॉपी करना होगा। फ्रेंड जब भी हमें अपनी सर्विसेज बंद करनी है तो हम यहाँ से सस्पेंड कर देंगे और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी फाइल्स को भी डिलीट कर देगा। फ्रेंड इस IP को कॉपी करके हम अपने डोमेन पैनल के अंदर ए रिकॉर्ड चेंज करेंगे। ए रिकॉर्ड हम इस वे में चेंज कर सकते हैं, हमारा टाइप ए रिकॉर्ड ये सिलेक्ट करेंगे, नेम में @ रखेंगे, वैल्यू में हम अपने IP एड्रेस डाल देंगे और TLS में 600 सेकेंड कर देंगे, और CNAME रिकॉर्ड ऐड करना होगा, नेम में WW और @ लगा के 1 hours लगा देंगे। और फ्रेंड जैसे ही हम अपडेट करेंगे इसको अपने डोमेन पैनल के अंदर तो हमारे डोमेन रिफ्रेश होने में 24 से 48 hours लेंगे और हमारी साइट ये डोमेन से पॉइंट हो जाएगी। और फ्रेंड हम दूसरा DNS सर्वर अपडेट कर दें तो उसके लिए हम DNS सर्वर क्रिएट करना होगा। तो फिर यहाँ पे हमें फिर से होम के अंदर जाना होगा। हम होम के अंदर जाके नेटवर्क के अंदर जाएंगे, मैंने इसको पिन कर रखा है और आप यहाँ से जा डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जाके नेटवर्क सर्विसेज में जाएंगे और क्लाउड DNS पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको क्रिएट जोन करना होगा। आप यहाँ पे जोन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका डोमेन, आप अपना डोमेन का नाम दे देंगे और यहाँ पे जाके क्रिएट कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा जोन क्रिएट हो गया। अब हमें ऐड रिकॉर्ड सेट करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जाके अपने ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा। आप यहाँ से ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना IP एड्रेस डाल देंगे और उसके बाद क्रिएट कर देंगे। अब फ्रेंड हमें फिर से जाके अब CNAME रिकॉर्ड ऐड करना होगा। हम सिंपल यहाँ से CNAME सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके www ऐड कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे अपनी साइट का डोमेन डाल देंगे। और इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमारे DNS रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, आपको रजिस्ट्री सेटअप्स के अंदर जाके इन DNS को कॉपी कर लेना है और अपने डोमेन पैनल के अंदर जाके DNS रिकॉर्ड सिंपली अपडेट कर देना है। और फिर जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपका डोमेन 24 से 48 घंटे के अंदर कम्प्लीटली रिफ्रेश हो जाएगा। और जब एक बार डोमेन आपका पॉइंट हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना होगा, वर्डप्रेस के पैनल में जाके, आपको वर्डप्रेस की पैनल में जाके सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है, जनरल में। यहाँ पे जाके आपको सिंपल अपना पूरा कंप्लीट डोमेन अपडेट कर देना है इस तरह से। सेम कॉपी नीचे भी करना है साइट एड्रेस के अंदर और जाके सीधा सिंपल अपडेट कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आपके DNS पॉइंट हो जाएंगे तो ये आपकी वेबसाइट
अब डोमेन नेम के साथ चलने लगेगी। फ्रेंड अगर आपको डोमेन पैनल के अंदर डीएनएस या ए नेम रिकॉर्ड अपडेट करना नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है तो इसको शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।